आपका पहला सवाल कि मैं मतलब अब मैं क्या बोलूं कि ये वो विडंबना और ये वो कहते हैं आयरनी है कि मैंने इतनी डाइटिंग करी और इतनी एक्सरसाइज करी लेकिन फाइनली सारा वेट मैंने जॉन्डिस के थ्रू लूज़ किया, मुझे पीलिया हो गया और तब मैं पतली हुई, बट आई होप मैं ये मेंटेन कर पाऊँ। और दूसरा कि प्रेम रतन धन पायो जो मेरी आखिरी रिलीज़ थी, उसके बाद अब मेरी अगली रिलीज़ है नील बटे सन्नाटा, अप्रैल 22 को, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत फिल्म, और उसके बारे में मैं ज़रूर आप सबसे बात करूँगी जब रिलीज़ के जब हम समीप आ जाएंगे। और इसके अलावा मैं अनारकली आरावाली नाम की फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ, इनफैक्ट मैं जल्दी निकलने वाली हूँ वापस शूट पे जाने के लिए, और कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ, कुछ एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हैं जो अगले 1 महीने के अंदर हो जाएंगी। दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, नील बटे सन्नाटा, अनारकली, आरावाली, अलग अलग तरह के एकदम मुख्तलिफ टाइटल, इंटरेस्टिंग टाइटल, क्या उतना ही इंटरेस्टिंग फिल्म होने वाली है? डेफिनेटली डेफिनेटली, नील बटे सन्नाटा एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत फिल्म है। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू है, लेकिन मुझे इसके लिए चाइना में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल चुका है सिल्क रोड फिल्म फेस्टिवल पे, बट ऑफ कोर्स वो अवार्ड पूरी फिल्म को जाता है। एक कहानी है एक माँ की, और मैं वो माँ हूँ, 15 साल की लड़की की माँ का रोल किया है मैंने, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रोल था ये। ऑफकोर्स कई लोगों ने मुझे कहा कि ये करियर खुदकुशी भी है, क्योंकि कौन सी एक्ट्रेस अपनी उम्र से बढ़कर रोल करती है, और वो भी 15 साल की बच्ची की माँ का। बट इतनी खूबसूरत कहानी थी कि मैं मना नहीं कर पाई, और आई एम वेरी प्राउड कि मैंने वो फिल्म करी, क्योंकि वो फिल्म सच में उतनी ही बेहतरीन है। और नील बटे सन्नाटा का क्या मतलब है ये आप लोगों को पता करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है और उसका मतलब भी बहुत प्यारा सा है। अनारकली आरावाली एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी की गायिका की कहानी है जो जो बड़े ही क्या बोल रहे हैं डबल मीनिंग के गाने गाती है गाँव और बिहार में, गाँव में और छोटे छोटे कस्बों में, और उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक्या होता है जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी पलट जाती है। तो एक बहुत ही खूबसूरत ये भी कहानी, और औरतों के मुद्दों को बिल्कुल सेंटर में रखती हुई, और एक ऐसी दुनिया जो हमने बॉलीवुड में देखी नहीं है कि नौटंकी और ऑर्केस्ट्रा पार्टीज की दुनिया। थैंक यू सो मच।